अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और देखो, मैं अपने घर पे हूँ और कल मैं रात को आई, वैसे तो कल सुबह ही गई थी दादी के घर पे से, शाम को आके फिर रात को यहाँ पे राजीन भी राजकोट था तो उसके साथ ही घर पे आई। और देखो, अभी हम जस्ट उठे हैं तो अभी मेरा रूम का बखेड़ा देख सकते हो आप, ये सब मुझे क्लीन करना है। ये कल मैं आई ना तो वहाँ से सारे ड्रेस लेके आई हूँ, आधे में वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर छोड़ देती हूँ। ये तो मैंने कल पहना हुआ था, आप सबने देखा, तो वो लेके आई हूँ। ये राजीन के सारे हैं, उसको मैं टी शर्ट वगैरह उठाऊँगी। और ये खुलेगा भी नहीं मेरे से। हाँ देखो, ये मेरा, ये मैं कल पहनने के लिए ले गई थी, बट मेरा जो नेक है ना वो बहुत उसमें दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने नहीं पहना। मेरे गला, कुर्ते का गला बहुत फिट था तो ये लेके गई थी। ये वाला बहुत मुझे पसंद है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आपको आगे दिखाऊंगी। तो सब ये अभी मैं रख दूंगी और काम करूंगी। तो चलो आप रहो मेरे साथ। और फिर टाइगर अभी खा रहा है यहाँ पे, तो टाइगर, ओए टाइगर देखो जवाब भी देगा, तो इसको तो मुझे साथ लेके जाना है कि फिर पीछे से लड़ते हैं। तो मेरी सासू मम बोलते हैं कि इसको तो तेरे साथ ही ले जाना, तो कोई बात नहीं। बट सिम्बा तो बहुत मारता है, यहाँ पे कोको तो इतना नहीं मारता, फिर भी ले जाऊँगी। और ये भी खा रहा है, फिर ये सब उठा के मैं रख दूँगी। कि एक मैं पता नहीं 15 दिन के लिए जा रही हूँ क्या, आज चांद रात है तो मम्मी आएगी तो फिर पता चलेगा कि मैं बीच बीच में आऊँगी कि नहीं। बट रमज़ान करने जाऊँगी तो घर पर ही, तो इसको ले जाऊँगी फिर मैं साथ ही ले आऊँगी। अब 15 दिन बाद आती हूँ या 1 महीने बाद आती हूँ वो पता नहीं, तो सब मैं समेट के जाऊँगी कि फिर मुझे आके इतना काम ना रहे। चलो अब मैं कर रही हूँ मेरी सासू मम का रूम अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ें रखूँगी यहाँ पे, ये गीले टावल होते हैं वो रखूँगी, बेड साफ़ करूँगी, पूरा रूम क्लीन करके फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ सब में। चलो तो पहले बेड कर लेती हूँ। मैं काम करते करते आपको दिखा रही हूँ टाइगर को, वहाँ पे दिख रहा है आप सबको, ये दिख गया है तो उसको इतना मज़ा आ रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि मैं पकड़ लूँगा अभी। पकड़ ले टाइगर, पीछे इस तरह से ना ओपन ओपन, तो उसको अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे, और बैठे बैठे उसको ही देख रहा है। यहाँ पे वैसे तो माशाल्लाह रह लेता है वो। उसको मजा आता है यहाँ पे ज्यादातर। तो टाइगर ये इतना नहीं मारता, हमारा सिम्बा बहुत मारता है। अलग रूम में ही हमें पैक करके रखना पड़ता है, बेचारा टाइगर को भी मुझे रखना ही पड़ेगा अलग रूम में। यहाँ पे तो वैसे खेल लेता है। तो चलो अभी मैं ये पूरा झाड़ू लगाते लगाते नीचे जाती हूँ, और ये कपड़े मेरे हमारे गंदे हैं तो ये भी नीचे ले जा रही हूँ, और फिर नीचे का साफ़ करूँगी पूरा घर। नीचे आ गई हूँ मैं, और नीचे के ये कपड़े अभी मैं पूरे समेटूंगी, फिर सबकी जगह पे रख दूँगी, सबका जो अलग अलग कबाट है वहाँ पर मैं रख दूँगी। तो फिर नीचे भी अभी मैं झाड़ू लगाती हूँ। देखो झाड़ू लगाते लगाते मैं नीचे आई हूँ, धीरे धीरे धीरे
और ये देखो जा रही है। और किचन तो सारे बर्तन सुबह ही निकाल दिए मेरे सासू मोम ने, अभी धो के फिर आएंगे ना तो फिर सब मैं सभी की जगह पे लगाऊंगी, बर्तन धुल के आ जाएंगे तो वो। तो अभी मैं पूरा ये झाड़ू लगाती हूँ, देखो कितना कचरा पड़ा है। तो ये किचन रूम वो सब मैं जो डेली करती हूँ ना वो यहाँ का होल, तो चलो कर लेती हूँ। बस झाड़ू लग गया है, अब बाहर ये खोलने में ध्यान रखना पड़ता है कि ये निकल ना जाए। तो चलो अभी सब झाड़ू लगाते लगाते बाहर जाऊंगी और फिर बाहर का पूरा जो हमारा आंगन है ना वो साफ करूंगी। चलो तो मेरा रूम माशाल्लाह क्लीन भी हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तब खाना बनाने की करेंगे हम तैयारी। और माशाल्लाह सब क्लीन हो गया है, सामने का भी रूम हो चुका है क्लीन, तो आप देख सकते हो सब प्रॉपर मैंने कर लिया है। अब जाऊँगी मैं नीचे, खाना बनाने की करेंगे हम तैयारी। इसमें दूसरा भी अंदर है इसलिए वजन ज्यादा है, तो आगे रख देती हूँ। गिरा ना दूँ, एक मिनट। हाँ तो हमारे यहाँ पास में ही है थोड़ा सा टर्न लेके, तो वहाँ पे देने जा रहे हैं, तो चलो आप रहो हमारे साथ। तो ये आटा पिसवा के आते चटनी बनाएंगे। नहीं है बस ऐसे ही नहीं है। तो ऐसे ही नहीं। आज ये हमने बनाई ना ढोकरी, हमारी गुजरात की ढोकरी, तो वो बोल रही है कि मैं नहीं खाऊंगी, इस तरह से बोल रही है। और यहाँ पे मैं चटनी बना लेती हूँ, पहले बिस्मिल्लाह बोल के पीस लेती हूँ, फिर ये थोड़ा हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसमें मैं डाल दूंगी ढोकरी ये। तो और वहाँ पे खिचड़ी तो हो चुकी है, और अभी मेरी बड़े ससुर की बेटी है ना छोटी वाली, वो आएगी मुझे मेहंदी लगाने या चांदना देना, तो आज मेरी अम्मी आएगी मुझे लेने, तो वो सब मुझे तैयारी करनी है। तो मैं रोटला बाजरा का रोटला देखती हूँ करती हूँ या नहीं, वरना वो मेरे सासू मोम कर लेंगे आज। आज तो ये चली जाएगी। हाँ, रिक्शा का काम बढ़ जाएगा ऐसा कुछ है ना भाई।
रमजान में तो मैं कुछ काम भी नहीं कर एक महीने बाद आएगी ये लड़की जा रही है नहीं आ जाऊंगी कुछ नहीं है तो बुलाएगी तो आ किस तरह से कटवा ले तुझे छोटे शॉर्ट लेयर्स देखो मैंने यहाँ पे आधी चटनी पीस ली है फिर उसमें हम डालेंगे शक्कर और लेमन यहाँ इस तरह से और इस तरह से अच्छी बनती है चटनी तो अब इसको दोबारा पीस लूँगी तो बस हमने चटनी पीस ली है शक्कर को रख देते हैं यहाँ पे और इसमें हम बाद में डाल देंगे लेमन थोड़ा सा पीस के यहाँ पे रख दी है और अभी इसमें ये हो गया है हो गई है तब इसमें मैं डाल देती हूँ ये ढोकरी ढोकरी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं गुजरात में तो यही बोलते हैं गुजरात की फेमस ढोकरी तो इसका सालन किया हुआ है आज हमने तो चलो बिस्मिल्लाह बोल के डाल देते हैं एक हाथ से नहीं हो पाती व्लॉगिंग फिर भी मैं आज आपको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके बिस्मिल्लाह के एक हाथ से नहीं हो पाता फ़ोन में देखें या काम करते हैं उसमें देखें फिर भी माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ कि आपको रूटीन कभी कभी दिख जाए कि मेरा पूरा दिन किस तरह से निकलता है तो देखो इस तरह से मेरा पूरा दिन जाता है पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता फिर शाम को फ्री होती हूँ फिर शाम को जाती हूँ मम्मी के घर पर वो भी कभी कभी पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है तो यहाँ पे हो गया है सालन और यहाँ पे ये वाला भी सालन किया हुआ है साइड में और ये अभी हो रही है तो बस हमारा खाना बन गया अब बाजरे की रोटी करनी है तो वो देखते हैं मेरी ननद आ जाएगी ना तो मैं मेहंदी लगवाने बैठ जाऊँगी आज तो मैं नहीं करूँगी तो मेरी सासू मम कर लेंगे तो देखते वरना बाजरे की रोटी तो मैं ही करती हूँ फिर भी आज देख लेते तो मैं नहा धो के आ जाएगी तो नहा धो के मैं बैठ जाऊँगी मेहंदी लगवाने लास्ट में ये काम रह गया है तो अभी ये जो रखने के वो रखूँगी ये ऊपर ले जाने के है ये मेरे हैं तो बस अब ये करती हूँ मैं सब हो गए तो अभी इसको अपनी जगह पे रख देती हूँ
चलो मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, आप देख सकते हो। और अभी तो गीली गीली है, आधी सूख भी गई है, तो अभी मैंने फिर भी ड्रेस चेंज कर लिया है कि मेरी ननंद को मैं जा रही हूँ अपने उसके घर पे छोड़ने। फिर अभी टाइम तो फटाफट से जा रहा है कि हम खाना खा के तुरंत मेहंदी लगाने बैठ गए थे। तो अभी कितने बजे देखो, 7 तो बजने को आए, फिर रिमसा ने लगाई, तो बस उसमें टाइम निकल गया है। तो मैंने ड्रेस पहन लिया है, आके मैं रेडी होती हूँ। तो एक काम भी है, तो चांद रात हो जाए उसके पहले कर लेती हूँ। फिर तो माशाल्लाह मेरी मम्मी नानी, मेरी मम्मी आई नहीं है जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से 3 महीने भी हुए हैं मेरी शादी को। तो अब मेरी मम्मी पहली बार मेरे ससुराल आएगी, तो वो सब आ जाएंगे, तो फिर तो मैं चली जाऊँगी घर पे। तो बस आप रहो साथ और देखो। तो देखो मैं आ चुका हूँ दुकान से और ये रेडी हो रही है, जा रही है अपने घर। पहला रमजान है इसीलिए एक महीने के बाद आऊंगी। अब्बू क्या बोल रहे हैं? एक महीना तो नहीं होगा। क्यों नहीं, नहीं उससे पहले ही रेडी तो होना चाहिए। इसे घर में जाके मैं प्रॉपर नहाऊंगी, मुंह धोऊंगी, यहाँ से वहां जा रही हूँ, 5 मिनट का रास्ता है, और फिर वजू वजू करके फिर रात को कुछ पढ़ेंगे। अब तो रात हो गई है, बस आज रात से इबादत का महीना शुरू हो गया है। पर अभी तो मैं नई हूँ, तो इसे रेडी होके ही जाना पड़ता है, सब बड़े बोलते हैं। वैसे भी मैं शादी के बाद नई ड्रेस में ही हूँ, कि मैं पहले से ही ऐसी हूँ, क्या करूँ। कहीं पे जाती हूँ तो मैं अच्छी रेडी होके जाती हूँ, बट घर में नहीं। इस तरह से हंस मत तू, मैं नई ड्रेस में होती हूँ तो ज़्यादा हंस रहा है। तो फिर घर पर तो ऐसे ही हो जाऊँगी नॉर्मल, और 1 महीने के बाद आऊँगी। तेरे लैंग्वेज में बोल क्या बोलेगा, 1 महीने के बाद आऊँगी, 1 महीने के बाद आऊँगी। तो तू क्या मुझे बोलता है इस तरह से, कल क्या बोलता है तू मुझे? मैं ऐसे बोलूं अभी तू मुझे क्या बोला? एक लात मारूंगा अभी तो मैं मेहंदी लगा के मैं बोली ना कि अभी मुझे थोड़ा बहुत काम है तो हम गए थे मेरी वॉच करवाने के लिए वॉच सारी मैंने देखो वहां पे रखी है दिखा तो सर वहां जाके दिखा सर वो मेरे नाप की नहीं हुई। फिर मैं और इंसा गए थे फटाफट से झाके आए, और फिर मैं आके फटाफट से रेडी होने लगी। वैसे चांद हो गया था, तो चांद देख के जो पढ़ने का होता है वो भी मैंने पढ़ लिया, नीचे सबके हाथ भी मैंने चुन लिए हैं। फिर भी अभी मेरी मम्मी आई नहीं है, वो आए तो बाद में आपको दिखाती हूँ। तो चलो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, और बैग भी मैंने अपने भरा नहीं है, मुझे पता ही है, ऐसा मुझे लग ही रहा है कि मैं कल फिर से आऊँगी, कुछ ना कुछ इसमें से भूलूंगी ना, तो वो लेने गाड़ी लेके। वैसे तो मेरा घर 5 मिनट का ही रास्ता है, फिर मैं धक्के खाती रहूंगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो राजी जैसे कह रहे हैं कि आराम से एक ही जोड़ी ले, वो बोलते ना एक ही पैर लेके जा कपड़े की, तू रोज एक एक लेने आना घर पे, इस तरह से बोल रहा है। क्या करूँ राजी, एक एक ही लेने आऊँ? हाँ तो आती जाती रहूँ इस तरह। तो चलो मिलते आगे। देखो मेरी मम्मी आ चुकी है। हिंदी गुजराती ना, टाइगर हमारा यहीं पे रहता है। अब ईद करने हमारे साथ सोफी के साथ में आ रहा है, ईद करने आ रहा है सोफी के साथ में। अब इसके बाप के हाथ के मार ऐसा खाएगा, ऐसा खाएगा, जितने बाल आए ना इतने टाइम में वो सब निकल जाएंगे फिर से उसके। अल्लाह रहम करे, बट देखो माथु दिए छे सामने लई लाल कई मां लई लाल। तो चलो मेरी बैग भी हो चुकी है तैयार, और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पे, है ना। तो ये लेने आ गई है तो इसमें उसने उसको तो पता ही है, उसने तो बोल दिया व्लॉग में, तुझे पूछ रहे हैं तो केवू लागे। हाँ वो ना भेगा जाए, हाँ तो आएगा एने खबर।
चलो आज नो व्लॉग मारो यहां जला फिश कर नाखिए तो आओ यहां हमारा रूम में जात तो करी नाखो। चांद मुबारक पहले बोलते सभी को के चांद मुबारक, दुआ बोल दुआ देते। हां सबको चांद मुबारक, आज बड़ी रात है, आज सबको चांद मुबारक। और आज के दिन हमें दुआ में खास करके याद रखना, सही है। और थक गई है, नमाज पढ़ी तो सबको चांद मुबारक। और कल सुबह रोजा रखने का पहला रोजा है तो सबको देर हो रही है कि तो तरह भी मैं जाना है। हाँ हाँ तो बाल बहुत उठ रहे थे, ये ब्लैक है ना तो सब चिपक गए उसमें। बस दुआ में याद रखना, हम भी आपको दुआ में याद रखना। हाँ चांद मुबारक। हाँ और मेरी तरफ से भी सबको चांद मुबारक। और मैं भी इंशाल्लाह दुआ में याद रखूंगी, आप सब भी मुझे दुआ में याद रखना। और कल पहला, और कल कल पहला रोजा है तो सभी के इंशाल्लाह मैं दुआ में भी करूंगी। और सबको बोल रही हूँ अल्लाह हिदायत दे, 30 से 30 रोजे सबके हो माशाल्लाह, और किसी को भी थकान ना लगे, और माशाल्लाह सबके क्या बोलते चेहरे पे नूर आ जाए। हाँ और सबकी जायज तमन्ना रसूल पाक अल्लाह पूरी करे। तो चलो आप सब भी हमारे लिए दुआ करना। तो आज का व्लॉग हम यही तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अल्लाह हाफिज। तो देखो ये आप देख सकते हो, ये मेरे घर के कहाँ से पिछली गली आगे, दो गली आगे ये मेरे छोटे मामू का घर है। तो आप देख सकते हो, तो देखो ये उसका बंगला है। तो चलो अभी हम जाते अंदर के मेरी नानी यहाँ पे है छोटे मामू के पास, तो हम हाथ चूम के आते हैं।